Good morning students, in this video we are going to discuss the second chapter of science of class 7th, that is nutrition in animals. So what do you mean by nutrition in animals? So in previous chapter we have studied nutrition in plants, okay. In this chapter we will be discussing the nutrition in animals. So what do you mean by nutrition in animals? It is the food requirement by the animals, its digestion and utilization. So we will be discussing the following points one by one. Our first point is animal nutrition. So there are three main points in this topic. The first point that includes in this topic is nutrient requirement. Second topic is mode of intake of food, and the next one is its utilization in body. So what do we mean by these points? और फर्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? एज वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास ऑफ क्लास 6 इन फर्स्ट चैप्टर दैट वी टेक द फूड एज रिसोर्स इन आवर बॉडी, एंड वी इन फूड देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, देयर आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिंस, मिनरल्स, रफेज एंड मेनी थिंग्स एल्स. ओके, सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स दैट वी यूटिलाइज through the intake of the food. Second one is mode of intake of food. यानी हम खाना किस तरह से खाते हैं? Such as if we take the example of human beings, so we first of all take the food and bite it. हम उसको पहले काटते हैं, then we start chewing and grinding it with the tooth or with the teeth that is present in our mouth. Okay. If we take the example of snakes, then snake eats what? Snake eats rat, it also eats frog and many other insects as well. So how does it eat? What is the mode of nutrition that is followed by, what is the mode of intake of food that is followed by snake? It swallows a complete animal as its food. So our last topic in this is its utilization in our body. That means what? If we take food, then is it getting utilized completely or not? Okay, so the main point is that अगर हम खाना खाते हैं तो वो पचना चाहिए, और पचने के बाद अगर हम उस चीज को, उस बचे हुए फूड को यूटिलाइज ना कर पाए, देन व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग फूड? खाना लेने का फिर कोई मतलब ही नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो अपना खाना पचा नहीं पाते हैं. तो ऐसे लोगों को फूड लेने की कोई वजह नहीं रह जाती है, ठीक है. यहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो हमें तीन पॉइंट्स को ध्यान रखना है. पहला है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. ओके, हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है. सेकंड वन इज मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, ठीक है. हम किस तरह से फूड लेते हैं, अलग अलग एनिमल्स किस तरह से फूड लेते हैं, कोई स्क्रैपिंग करता है, कोई ब्रीविंग करता है, कोई सकिंग करता है, कोई च्यूइंग करता है. तो अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग मोड को फॉलो करते हैं. और लास्ट है हमारा यूटिलाइजेशन इन बॉडी, यानी जिस खाने को हमने खाया उसको डाइजेस्ट किया, क्या उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं हम, क्या उसका यूज कर पा रहे हैं हम. तो इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, और इन पॉइंट्स से जो पॉइंट निकल के आता है, द थिंग इज डाइजेशन. और नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज डाइजेशन, ठीक है. डाइजेशन में क्या होता है और ये पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सो लेट अस डिस्कस. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू द सिंपलर फॉर्म, यानी जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. जो खाना हम खाते हैं, दीज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है. इसमें बहुत सारे केमिकल्स, ठीक है, एक साथ बहुत सारे बॉडी बना के रखते हैं. लेकिन अगर हमें उनसे एनर्जी लेना है, फूड हम क्यों लेते हैं एनर्जी के लिए, तो अगर हमें उनसे एनर्जी लेना है तो एनर्जी पाने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर फॉर्म. और उस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन. तो अगर हमें याद करना हो और हमें लिखना हो, सो व्हाट विल बी राइट, विल बी राइटिंग दैट द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू द सिंपलर फॉर्म, सो दैट आवर बॉडी कैन इजीली अब्सॉर्ब इट एंड कैन यूटिलाइज इट एंड रिलीज एनर्जी फॉर आवर बॉडी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? डाइजेशन. इफ इन सिंपल वर्ड यू वांट टू राइट इट, देन यू कैन सिंपली राइट दैट द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर वंस. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर दैट आई हैव शोन ऑन द बोर्ड हियर, let us assume that if it is a carbohydrate, it is a molecule of carbohydrate, then it is the
है, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी उसे एनर्जी गेन नहीं कर सकता है। इसीलिए जब हम फूड को लेते हैं देन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर स्टमक, ठीक है, हमारे पेट में डाइजेशन होता है, ठीक है, और उसी डाइजेशन की वजह से वो खाना जो कि इतना कॉम्प्लेक्स रहता है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है और हम फिर उससे एनर्जी ले पाते हैं। गेटिंग? सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, दैट इज द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक डाइजेशन। सो डाइजेशन इज व्हाट, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड मैनी केमिकल्स, मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म, एंड दिस कैन बी डिस्क्राइब और दिस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड विद दिस फिगर एज ऑन द बोर्ड। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह का मेथड्स यूज करते हैं फूड को गेन करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपके बुक में दिया है स्टारफिश का, तो स्टारफिश का एग्जांपल हम लेंगे, यहां पे बोर्ड में मेंशन ही है, नो प्रॉब्लम, यू कैन रेफर फ्रॉम योर बुक, आपके सेकंड चैप्टर, ठीक है, आपकी बुक के सेकंड चैप्टर में आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है स्टारफिश के बारे में, ठीक है। तो स्टारफिश कैसे करती है, स्टारफिश अपना फूड कैसे खाती है, ठीक है, तो स्टारफिश शेल एनिमल, ठीक है, ऐसे एनिमल जो शेल्स में रहते हैं, ठीक है, शेल में रहते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कॉन्च, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं सी शेल्स होते हैं, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो एनिमल्स, ठीक है, उन एनिमल्स को किन में रहना पसंद है, शेल्स में, ठीक है। तो स्टारफिश अपना फूड कैसे गेन करती है, तो जब वो शेल खुलते हैं तो स्टारफिश अपना स्टमक उसमें पॉप कर लेती है, उसके अंदर अपना स्टमक डाल देती है, ठीक है, और उसके अंदर जो भी एनिमल रहते हैं वो उसको सक कर लेती है, उसको खा लेती है, और फिर बाद में खाने के बाद वो अपना स्टमक फिर से अपने बॉडी के अंदर कर लेता है। इसका मतलब क्या है, स्टारफिश अपना स्टमक उस एनिमल के अंदर भेज देती है और वहां से उस एनिमल को खाने के बाद फिर वो दोबारा उसका स्टमक उसके बॉडी में आ जाता है। तो इस तरह से इतना अनोखा है, ठीक है, इसका फीडिंग मोड। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखेंगे वो अपने फूड को कैसे खाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज बीज, बीज यानी मधुमक्खियां, वो क्या खाती हैं, दे यूज दे द काइंड ऑफ फूड यूज बाय द बीज इज नेक्टर, वो अलग अलग तरह के फूलों का रस लेती हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेक्टर। अब वो नेक्टर उन्हें मिलता कैसे है, सो द मोड ऑफ फीडिंग विल बी सकिंग, यानी वो उसको खींचती हैं, एज यू कैन एज यू यूज स्ट्रॉ, ठीक है, हम क्या करते हैं बहुत सारे अलग तरह के जूसेस अलग अलग तरह के ड्रिंक्स को पीने के लिए स्ट्रॉ का यूज करते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा आर्टिफिशियल, हम आर्टिफिशियल स्ट्रॉ यूज करते हैं, लेकिन गॉड ने उन्हें नेचुरल स्ट्रॉ दिया है जिसकी मदद से वो क्या करते हैं नेक्टर को सक कर लेते हैं अपने बॉडी में और अपने फूड की तरह उन्हें यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक्स, स्नेक्स क्या करते हैं, तो स्नेक्स ईट रैट्स, फ्रॉग एंड डिफरेंट अदर स्मॉल एनिमल्स, ओके, एंड द मोड ऑफ फीडिंग इज स्वेलोइंग, यानी वो पूरा का पूरा उसे निगल जाते हैं, जो उनका एनिमल रहता है वो पूरा का पूरा उन्हें निगल जाते हैं। नेक्स्ट इज स्नेल, ठीक है, स्नेल इट ईट्स द ग्रास, ठीक है, स्नेल क्या करता है वो घास खाता है, और कैसे खाता है, बाय च्यूइंग, ठीक है, हम भी क्या करते हैं, पहले बाइटिंग करते हैं फिर च्यूइंग करते हैं, ठीक है, पहले हम उसको काटते हैं फिर चबाते हैं, ठीक है, लेकिन स्नेल के केस में क्या करता है वो च्यूइंग करता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे एंट्स, ठीक है, एंट क्या करते हैं स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग का मतलब क्या है, एंट्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और वो जो भी इंसेक्ट्स या एनिमल का यूज करते हैं या फिर जो भी खाना उनको मिलता है वो उसको पूरी तरह से खा नहीं सकते, इसलिए दे यूज देयर बॉडी पार्ट्स टू स्क्रैप, ठीक है, वो उसको खुरचते हैं और खुरच के ही उसको खाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और दूसरे एनिमल्स हैं जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे हाउस फ्लाई हो गया, लाइस हो गया, बटरफ्लाई, सो दीज आर द मेथड्स एंड द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ फीडिंग दैट इज यूज्ड बाय डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक लास्ट टॉपिक देखेंगे, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड अमीबा, वी विल बी डिस्कसिंग दीस टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस। सो इन एनिमल न्यूट्रिशन दीस आर द फाइव स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड। सो फर्स्ट वन इज इंजेशन, सो व्हाट इज इंजेशन, एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, यहां पे नाम में क्या है इंजेशन, इन का मतलब क्या होता है टेकिंग इन, ठीक है, इसका मतलब क्या है व्हेन वी टेक इन आवर फूड, जब हम खाना अपना खाते हैं देन दैट प्रोसेस नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज इंजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, खाना खाने के बाद वो खाना दैट फूड गोज इन आवर स्टमक और वहां पे वो पच जाता है,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और हमने देखा है डाइजेशन क्या होता है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर वन। आफ्टर दैट व्हाट कम्स, अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन क्या होता है, हमने जो खाना खा लिया तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसको हम हमारी बॉडी, ठीक है, उसको ब्लड वेन्स में भेज देती है, ठीक है, वो ब्लड में हमारा वो खाना मिल जाता है, वो डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड नहीं, डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिंपलर सब्सटेंस वो हमारे ब्लड में मिल जाता है और हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, थर्ड स्टेप है हमारा अब्सॉर्प्शन। ओके, आफ्टर दैट कम असिमिलेशन, यानी हमने खाना खा भी लिया, उसको पचा भी लिया, उसको अब्सॉर्ब भी कर लिया, लेकिन फिर उसका क्या, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं अलग अलग जगह पे, बॉडी पार्ट्स को डेवलप करने के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से इनका यूज करते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज असिमिलेशन एंड द लास्ट प्रोसेस दैट कम्स हियर इज इजेशन। इजेशन मींस एक्सक्रीशन, यानी कुछ फूड का ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है, वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, हम उसको पचा नहीं पाते हैं, तो उस पार्ट को हम क्या करते हैं, वी एक्सक्रीट इट, हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट और द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल इज नोन एज इजेशन। सो दीज आर द फाइव स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय